अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? ठीक ठाक है फ्रेंड जी। अबू हुरैरा भाई मेरे साथ हैं और अभी हम शबे जुमा पर जा रहे हैं और साथ में मौलाना भी है, मौलाना खुर्रम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी इमरान से जो है ना खर्ची ले रहे हैं खाने के लिए, तो वो अच्छा आप भी ले लो जल्दी। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये भी जा रहे हैं हमारे साथ, वकास कैमरा मैन हमारा। और फ्रेंड जी माशाल्लाह बताना, और मेरा इमरजेंसी, मैंने कहा नहीं आज मैंने नया सूट पहन के शबे जुमा पे जाना है ना, और फॉरन और बहुत प्यारा लग रहा है वाइट। थैंक यू माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। फ्रेंड जी सुबह जो है ना जुमा मुबारक है, तो मेरी तरफ से सबको एडवांस बहुत बहुत ज्यादा जुमा मुबारक। बल्कि ये वीडियो सुबह ही अपलोड होगी, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि जुमे वाले दिन कसरत से जो है ना दुरूद पाक पढ़ना चाहिए, क्योंकि हदीस मुबारक है जिसका मफहूम है कि आपले इस्लाम ने फरमाया है कि जुमे वाले दिन कसरत से जो है ना आप दुरूद शरीफ पढ़ा करें, क्योंकि जुमे वाले दिन जो एक दफा जो है ना दुरूद शरीफ पढ़ता है तो अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाते हैं, 10 दर्जात उसके बुलंद फरमाते हैं और 10 गुनाह उसके माफ फरमाते हैं। दुनिया के अंदर जो शख्स जितना कसरत से दुरूद पाक पढ़ेगा उसको मौत उतनी आसानी से आएगी। और एक दुरूद शरीफ है जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदुना मुहम्मद माहु अहलु, एक दफा पढ़ने से 1000 दिन तक दुरूद पाक पढ़ने का अजर अल्लाह पाक उसके नामे अमाल में लिखते रहते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक अमल की तौफीक दे। और फ्रेंड जी सच आपको बता दूं कि ये भाई अबू हुरैरा है, इसने अपना नया चैनल अभी अभी जो है ना बनाया है दीन की बहार, तो डिस्क्रिप्शन में जो है ना मैं इसका लिंक दे दूंगी। तो आप सबसे मैं गुजारिश करूंगी, मोदबाना गुजारिश करूंगी कि इसको ना ज्यादा से ज्यादा जो है ना इसके चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाजमी करना है। जितनों ने मुझे फॉलो सब्सक्राइब किया हुआ है ना, इसके चैनल को भी करना है, ठीक है ना। के थ्रू आपकी वजह से किसी की हेल्प हो जाए तो इससे बढ़कर कुछ नहीं होता, तो अल्लाह आपको इसकी बेहतर जजाए खैर अता फरमाए, आमीन। और लाजमी डी बड़ा डी डी डबल ई एन के आई बी ए एच ए आर दीन की बहार, दीन की बहार, तो इसके चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना। और मैं अभी बताना चाहूंगी, बहुत सारे लोग जो है ना बैक कमेंट करते हैं कि मौलवी के काम चेक करो, ये है वो है, ऐसी कोई बात नहीं, ये भाई हैं और ये माशाल्लाह तबलीगी साथी हैं और इनका जो है ना हमारे फील्ड में बहुत ज़्यादा मेहनत है, तो कोई भी ऐसी जो है ना ऐसी कोई बैड कमेंट ना करे, क्योंकि हम लड़कियां नहीं हैं, हम ट्रांसजेंडर हैं, ख्वाजा सरा हैं, कोई लड़की नहीं है कि हाय इसने मुझे हाथ लगा लिया तो ये मौलवी क्या कर रहा है, ये वो, ऐसे कमेंट बिल्कुल भी ना किया करें, ठीक है ना। आपके साथ ताल्लुक अल्लाह के लिए है बेशक, और मैं ये पैगाम दूंगा कि बस आपके चाहने वाले देखने वाले और मेरे समेत सारे इन सब के लिए ये दुआ करें, अल्लाह पाक इनको इस्तेकामत नसीब फरमाए, आमीन। और मेरे लिए मौलाना कुछ आप क्या कहेंगे ना, है ना, मेरे लिए क्या कहेंगे, आगे आ जाओ। अबू हुरैरा के लिए तो मेरी खास दुआएं हैं कि जितनी इसकी मेहनत है अल्लाह पाक इसको अपनी शान शान अजर अजीम अता फरमाए और इसकी मेहनत को कबूल फरमाए और इसकी मेहनत को पूरी दुनिया की हिदायत का जरिया बनाए, आमीन। और है शरारती चले आए चलते और खुशकिस्मत हैं ये लोग जो इस दौर में अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनने आए हुए, खुशकिस्मत हैं ये, अल्लाह बाखुदा खुशकिस्मत है। चार महीने लगाएंगे, चार महीने किसके सुबह के अंदर जिन्हें अल्लाह को पहचाने के अंदर कौन है, ये सारी सिफात हर इंसान करना, इसके लिए भी नकलो हरकत है, इस काम को सीखना बगैर सीखे कोई काम। अभी वापस जा रहे थे तो रास्ते में जो है ना बहुत मशहूर एक भाई है, रेहड़ी वाले हैं और वो आम बेचते हैं अपनी रेहड़ी पे, और वो मशहूर इसलिए कि इतना मज़ेदार मीठे आम होते हैं उनके पास और वो ठंडा करके जो है ना काट के देते हैं, तो बहुत मज़ा आता है, मेरे मुंह में अभी से पानी आ रहा है। तो अभी मैं तैयारी कर लूँ, वो अभी आम जो है ना वो कट करके लेके आएंगे
वाइट सूट है आपको पता है, कहीं आम के निशाने लग जाए। सो फ्रेंड जी ये देखिए माशाल्लाह ठंडे ठंडे आम आ चुके हैं और अभी हम इसको खाएंगे। 5 किलो हमने कटिंग करवाए उससे और 5 लोग ही खाने वाले हैं। वैसे मुकाबला होगा अभी, आज देखते कौन ज्यादा खाता है। ये पकड़ो आप जी, आज वाला जो मुकाबला है ना वो मैं हार गई हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों हार गई हूँ मुझे पता ही नहीं है, नहीं तो मैं तो सबसे ज्यादा खाती हूँ आम। लेकिन वो माशाल्लाह से सारे खा रहे हैं और मैंने तो बस कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हम आ गए हैं मरकज से। मरकज तो आपने माशाल्लाह देख ही लिया है, कितने मोहल्ला वाले आए हुए थे अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनने के लिए। और फ्रेंड्स जी जाना चाहिए, जब भी आपको भी मौका मिले तो ऐसे दीनी महफिलों में जाना चाहिए, क्योंकि आप लिए इस्लाम ने फरमाया है जिसका मफहूम है के ईमान के तस्करे करने चाहिए, इससे इंसान का ईमान बढ़ता है। और दूसरी बात ये भी हदीस पाक है जिसका मफहूम है कि जहाँ पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात होती है तो उस महफिल को फरिश्ते आकर जो है ना घेर लेते हैं और लास्ट में जो है ना वो ना ऐलान करते हैं कि अल्लाह ने आपके गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दिया और आप बख्शे बख्शाए घरों को लौट जाए। और ये भी है सच। एक और आपको सुना दूँ कि जैसे हदीस पा गई, मैं हदीसें सुना रही हूँ आपको, ये भी हदीस मुबारक है कि आप ले इस्लाम ने फरमाया जिसका मफहूम है कि जहाँ पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात हो रही होती है तो वो जगह आसमान वालों के लिए ऐसे चमकती है जैसे हमारे लिए आसमान के तारे। तो माशाल्लाह कितनी अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। इतने हुए आम तो आपने देखे, हमने खाए हैं। और दूसरा ये कि धुआं दुकान, तो वहाँ की आपको मैं दिखाती हूँ, बहुत अच्छे उनके जो है ना राइस होते हैं, टेस्टी भी होते हैं और पैकिंग उनकी बड़ी अच्छी है ये देखें। और दूसरा इमरान इधर आओ, ये उठा लो, साथ में इसमें चटनी है बहुत टेस्टी सी इमरान ये उठा लो चीज़ें। और ये भी आपको बता दूँ, टूथपिक भी उन्होंने साथ दी है, टिश्यू भी दी है, चम्मच भी है साथ में, बल्कि ये दही की चटनी भी है साथ, तो बहुत मज़ेदार। वैसे वो तो हमने पहले मैंने खोल लिया था, ये खोल के देखते हैं इसमें शायद हो सकता है धुआं दुकान का जो है ना धुआं निकले। मुझे तो पसंद है, थोड़ी उनकी भी प्रमोशन हो जाएगी। बुर्ज हुरैरा के जो है ना सामने बिल्कुल है धुआं दुकान, वहाँ से आप जाकर टेस्ट लाजमी करना, ये उठा लो गिर ना जाए। अपनी दुआ में याद रखना और आज तक के लिए मुझे इजाज़त दें और मेरे चैनल द रियल महक मलिक को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छे से कमेंट करके आगे शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।